बात करते हैं टीम इंडिया में नंबर चार की, उस समस्या की, उस दिक्कत की, उस चुनौती की, जिसका समाधान भी शास्त्री और विराट को मिलकर ही ढूंढना होगा। वैसे वेस्ट इंडीज सीरीज में दमदार प्रदर्शन के बाद से श्रेयस अय्यर को नंबर चार का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अय्यर टीम इंडिया के इस विराट टेंशन को दूर करेंगे? ये स्पेशल रिपोर्ट आप गौर से देखें। क्या अय्यर दूर करेंगे विराट टेंशन? क्या अय्यर बनेंगे चार के चैंपियन? अय्यर ने जीता विराट भरोसा। क्या नंबर चार पर पंत की जगह लेंगे अय्यर? वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज की दो पारी में श्रेयस अय्यर ने जहां 68 की बेहतरीन औसत से 136 रन बनाए, वहीं ऋषभ पंत तीन मैच की दो पारियों में 10 की औसत से सिर्फ 20 रन ही बना सके। श्रेयस हैज रियली कम अलोंग रियली वेल एंड he's just stepped in and played with a lot of confidence and I think that augurs really well for the team and as I said at the post match that he's presented a strong case for himself to be a strong contender and a regular feature in the middle order if he keeps continuing to play like that and take responsibility in that manner and you know both times he was batting with me I've been around for a while and he wasn't intimidated at all he was very confident very very sure of his game so I think that's great to see and hopefully as I said he builds on to this and you know keeps performing like this for the team kyunki pant sirf hitter hain jabki Iyer complete ballebaaz gavaskar ke mutabik mere nazariye se mahendra singh dhoni ki tarah rishabh pant 5ve ya 6te number par finisher ke role mein zyada fit honge kyunki pant usi sthan par apna natural game khel sakte hain jabki number 4 par shreyas Iyer ko bheja jana chahiye क्योंकि वो शांति के साथ खेलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। ऋषभ पंत अभी तक इस तरह का कंपोजर नहीं दिखा पाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में श्रेयस अय्यर ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 68 गेंदों पर 71 रन की दमदार पारी खेली थी, जबकि इस मैच में नंबर 4 पर बैटिंग करने उतरे ऋषभ पंत 35 गेंद खेलकर सिर्फ 20 रन ही बना सके थे। इसी तरह से वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में भी अय्यर ने 41 गेंदों पर धमाकेदार 65 रन बनाए थे, जबकि इस मैच में ऋषभ पंत अपना खाता भी नहीं खोल सके और पहली गेंद पर आउट हो गए थे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पंत के बल्ले से 56 गेंदों पर 32 रन निकले थे, जबकि वर्ल्ड कप में खेले 4 मैच में पंत नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 29 की औसत से सिर्फ 116 रन बना पाए थे। और मनिंदर जी, यहाँ पर आपसे बस यही समझने की कोशिश करेंगे, श्रेयस अय्यर वेस्ट इंडीज में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, चले भी, लेकिन अब आपको क्या कुछ लगता है, क्या अब उन्हें 4थे नंबर पर उतारना होगा? क्या ये सही रहेगा? ये फैसला किस तरह से आप देखेंगे? देखें, पहले भी हम देख चुके हैं, मनीष पांडे ने 2 साल पहले रन्स बनाए थे 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए, लेकिन कैप्टन और कोच ने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। सो ये बहुत डिपेंड करेगा कि कैप्टन और कोच किस तरह से कॉन्फिडेंस देते हैं अय्यर को, क्योंकि जहाँ तक खिलाड़ी का सवाल है, टेक्निकली साउंड है, मेंटली साउंड है, केवल कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। और इन 2 इनिंग्स से जिस तरह से वो खेले हैं वेस्ट इंडीज़ में, प्रेशर वाली सिचुएशन में आके उन्होंने मैचेस खत्म किए हैं, मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जहाँ तक नंबर 4 का सवाल है, ऋषभ पंत की वहाँ पर जगह नहीं बनती है, क्योंकि जिस तरह का उनका खेल है उनको 5 या 6 पर खिलाया जाना चाहिए। नंबर 4 पर वो बैट्समैन होना चाहिए जो इनिंग्स को बिल्ड कर सके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी खिलाड़ी को चांस देते हैं नंबर 5 पर, वो रन्स बना रहे हैं, तो फिर आप उसका नंबर चेंज नहीं करना चाहते। ऐसे में मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को आप नंबर 5 या नंबर 6 पर खिला सकते हैं। और नंबर 4 के लिए आपके पास मनीष पांडे हैं, मयंक अग्रवाल हैं, इन खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहिए, केएल राहुल हैं, इन खिलाड़ियों को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोच हैं और कैप्टन हैं, इन्होंने मिडिल ऑर्डर सेटल ही नहीं होने दिया अपने 2 ईयर के टेन्योर। बिल्कुल, और वर्ल्ड कप में हमने देखा भी, नंबर 4 सबसे बड़ी समस्या रही और एक ऐसी चुनौती यहाँ पर रही जिसमें काफी एक्सपीरियंस होते रहे, काफी अनुभव यहाँ पर किए जाते रहे, एक्सपेरिमेंट काफी किए जाते रहे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ और हर बार हम नंबर 4 पर ही लुढ़के। आपको लगता है कितनी जल्दी ये समस्या सुलझेगी? केवल वर्ल्ड कप में ही नहीं, वर्ल्ड कप से काफी पहले से ये समस्या चलती चली आ रही थी। कभी किसी को भेजते थे, कभी किसी को भेजते थे, कोई भी रन्स बनाता था फिर उसको बदल देते थे कि किसी और को भेजते थे। सो ये जो चुलबुलापन है, ये क्योंकि हमारा कैप्टन बहुत चुलबुले हैं और उनके डिसीजंस इस तरह से ही होंगे। सो रवि शास्त्री जो ये कह देते थे कि मैं कैप्टन जो करना चाहता उसे करने देता हूँ, मुझे लगता है कि रवि शास्त्री को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देना होगा। आप किसी को मौका देते हैं तो फिर उसे पूरा मौका दीजिए, क्योंकि जिन खिलाड़ियों के मैं नाम ले रहा हूँ, जिन यंगस्टर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं, क्योंकि केदार जाधव मुझे नहीं लगता अगले वर्ल्ड कप तक लास्ट करने वाले हैं, वो केवल उनको आप इसीलिए खिलाते चले जा रहे हैं कि थोड़ी सी बैटिंग कर देते हैं, थोड़ी सी बॉलिंग भी कर देते हैं अगर हेल्पफुल कंडीशंस हो, लेकिन मुझे लगता है अगर आप सॉलिड बैट्समैन खिलाएंगे तो आपके रन ही इतने हो जाएंगे कि आपको ये थोड़ी सी बैटिंग, थोड़ी सी बॉलिंग करने वाले खिलाड़ी। लेकिन मनिंदर जी, आपको लगता है कि रवि शास्त्री जिन्हें अब दोबारा से कोच यहाँ पर चुन लिया गया है, क्या नंबर 4 को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट तो होते रहे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए? या फिर आपको लगता है कि इतनी ज्यादा गंभीरता दिखाई दी कि बदलाव पर बदलाव होते रहे लेकिन वो बदलाव कामयाब नहीं हुए? ये कोच और ये कैप्टन
दोनों अच्छे टैलेंट के जजेस नहीं है, इसीलिए ये समस्या होती रही, क्योंकि ये खुद ही इतने कंफ्यूज रहे क्योंकि ये जज नहीं कर पा रहे थे कि किस खिलाड़ी में कितना टैलेंट है और उसे कितना मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास आपको टैलेंट जज करने का आपके पास काबिलियत नहीं है तो फिर आप जिसे खिलाते हैं उसे फिर बैक करें। अब आप बैक करें ऋषभ पंत को जिनके पास दो ही गियर हैं, या पहली गियर है या पांचवी गियर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वर्ल्ड कप में उनको खिला रहे थे नंबर चार पर ठीक था क्योंकि आपके पास महेंद्र सिंह धोनी थे पीछे, लेकिन अब उनकी जगह पाँच या छः पर ही बनती है। सो चार नंबर पर अगर आप श्रेयस अय्यर को लेकर आते हैं तो आपको और स्थिरता मिलेगी क्योंकि टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, इनिंग्स को बिल्ड करके खेलते हैं और सबसे बढ़िया बात है कि अच्छी बॉल्स को भी बाउंड्री लगाने की काबिलियत है और अच्छे खिलाड़ियों की एक निशानी है उनके पास, गैप्स ढूंढने में कामयाब रहते हैं श्रेयस अय्यर। सो चार या पांच पर आपको श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, इन खिलाड़ियों में से खिलाड़ियों को रखना होगा चार या पांच। बिल्कुल, तो ये चार का जो चक्कर व्यू है उसे यहाँ पर तोड़ना जरूरी है और एक परमानेंट खिलाड़ी का सामने आना जरूरी है ताकि वो कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखाई दे और साथ ही जीत की राह इसी तरह से आगे बढ़ती रहे।